मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जहां वाहनों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर शराब बेची जा रही है। वहीं सुबह से देर रात तक क्षेत्र में शराब के वाहन दौड़ते नजर आते हैं, मगर इस ओर किसी का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, जिसके कारण शराब की दुकानें क्षेत्र में करियाने की दुकान जैसी हो गई है। क्षेत्र में फैलते अवैध शराब के कारोबार को देखते हुए दसई चौकी प्रभारी कीर्ति तोमर द्वारा धरपकड़ की गई। इस दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बलेरो की पिकअप में 39 पेटी अवैध शराब जब्त की है। दसई के समीपस्थ ग्राम घटोदा में पुलिस ने यह कार्यवाही की है। वहीं वाहन चालक चकमा देकर मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख से अधिक है। इस बड़ी कार्यवाही से शराब माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं थाना प्रभारी रतनलाल मीणा ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। सरदारपुर से दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। आज अवैध रूप से किसी अज्ञात व्यक्ति की या अज्ञात ठेकेदार की शराब है। ग्राम घटोदा घटोदा कानवन रोड पर वाहन बोलेरो वाहन क्रमांक MP011BE0429 घटोदा मांगोद मार्ग पर अवैध रूप से शराब भरकर जाते पकड़ी, जिसकी तलाशी ली गई। वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। वाहन को थाने पर लाकर खड़ा किया गया। उसमें से 39 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब पाई गई। अभी अपराध पंजीबद्ध 34-2 का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल मीणा, निरीक्षक थाना प्रभारी अमझेरा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।